गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था समझिए और लिखिए। पार्ट एक मैं आपको पढ़ा रही हूँ इनसे सीखो, पार्ट एक इनसे सीखो, इनसे सीखो पल्लों का पार्ट एक पढ़ा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शब्दार्थ आप कॉपी में लिखेंगे, मौखिक उत्तर आप बुक में लिखेंगे, समझिए और लिखिए आप बुक में भरेंगे, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए भी आप बुक में भरेंगे। आपको सिर्फ लिखना है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, आप लिखेंगे फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, दूसरा है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। अब आपको लिखना है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द आप कैसे लिखेंगे? समानार्थी शब्द आपको लिखना है। कैसे आप समानार्थी शब्द लिखेंगे? पहला है शीश। शीश का आप सिर भी लिख सकते हैं। शीश का समानार्थी शब्द जो समान अर्थ वाले होते हैं। समानार्थी का मतलब होता है जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, तो आप लिख सकते हैं सिर। फिर है दूसरा हवा, वायु। हवा को आप वायु भी लिख सकते हैं। फिर है पानी, जल। क्या लिखेंगे? पानी को आप जल भी कहते हैं। फिर है दूध, इसमें आप लिखेंगे दूध। फिर पेड़, वृक्ष। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं। तो ये आपके समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो पहला जो है वो शीश, उसका सिर होगा, दुग्ध हवा का वायु होगा, और पानी का जल होगा, और दूध का दुग्ध होगा, पेड़ का वृक्ष होगा। फिर विपरीतार्थक शब्द देखिए। फिर आपका अन्य है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। अब आपको हंसना, इसका विपरीतार्थक शब्द होगा रोना। हंसना रोना। फिर है आपका अंधेरा उजाला। अंधेरा उजाला। फिर है सच्ची झूठी। सच्ची झूठी। ऊंचा नीचा। ऊंचा नीचा। फिर है उत्तम अधम। ये है आपका विपरीतार्थक शब्द। हंसना रोना, अंधेरा उजाला, उत्तम है आपका, फिर तीसरा है सच्ची झूठी, चौथा है आपका ऊंचा नीचा, पांचवा है आपका उत्तम अधम। अब आइए वाक्य सही या गलत पे। अब आइए हम बताएंगे आपको वाक्य सही है या गलत है। वाक्य सही या गलत के बारे में हम आपको बताएंगे। ये है आपका छा वाक्य सही या गलत। वाक्य सही या गलत। वाक्य सही या गलत इसमें है फूलों से नित गाना सीखो भौरों से नित हंसना, ये गलत है। ये वैसे ही बुक में दिया हुआ है, गलत। फिर दूसरा है वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, सही है। ये वाक्य क्या है? सही है। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना, ये वाक्य सही है। फिर है और धुएं से सीखो बच्चों जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो बच्चों जीवन पथ में बढ़ना, गलत है। फिर चौथा है पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, ये वाक्य सही है। ये वाक्य सही है। फिर पांचवा है मेहंदी से सीखो पिसकर भी सबको गले
लगाना, गलत। मैंने इसे सीखो किस कर भी अपना रंग चढ़ाना, ये होगा, ये वाक्य इसमें गलत है। तो ये हो गया वाक्य सही है गलत, इसको आप बुक में भर लेंगे। विपरीतार्थक शब्द भी बुक में भर लेंगे, समानार्थी शब्द भी बुक में भर लेंगे। आपको सिर्फ कॉपी में लिखना है शब्द अर्थ और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बाकी हम आपको कॉपी में इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, और इसको आप बुक में भर लेंगे क्योंकि बुक में क्लियर क्लियर दिया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ लिखना है शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए अब हम आपको प्रश्नों के उत्तर दीजिए बताते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला था कोमल भाव बहाने की शिक्षा हमें कौन देता है? कोमल भाव हवा के झोंके से हमें कोमल भाव बहाने की शिक्षा मिलती है। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की शिक्षा मिलती है। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की शिक्षा मिलती है। हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की शिक्षा मिलती है। शिक्षा मिलती है। दीपक और पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देते हैं? दीपक हमें अंधेरा दूर करने की, तथा पृथ्वी प्राणी की सेवा करने की, पृथ्वी प्राणी की सेवा करने की सीख देते हैं। प्राणी की सेवा करने की सीख देते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने चरित्र का निर्माण हम किन लोगों की शिक्षा से कर सकते हैं? सत्य पुरुष के, सत्य पुरुष के जीवन से अपने चरित्र का निर्माण, सत्य पुरुष के जीवन से हम अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें प्रकृति की सबसे बड़ी शिक्षा है। इस पाठ से हमें प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। इस पाठ से हमें प्रकृति हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है, शिक्षा मिलती है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना से क्या तात्पर्य है। सूरज की किरणों से सीखो हमें अपना काम, हमें अपना काम नियम समझ करना चाहिए, नियम समय पर करना चाहिए, हमें अपना काम नियत समय पर करना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, यह है आपका पाठ। पाठ आपका खत्म हो गया, प्रश्न उत्तर आप कॉपी में लिख लेंगे।